एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टू में मैथ्स में यूनिट फोर, जो हम वर्कबुक फिनिश कर रहे थे उसमें यूनिट फोर में हमने काउंटिंग इन टेंस में जो आधी वर्कबुक हमने फिनिश की थी। और आई होप कि मैंने आपको बोला था कि आप बाकी का जो एग्जाम्पल मैंने करवाया था और जो बाकी के एग्जाम्पल है वो आपको घर से करने थे, तो आपने फिनिश किए होंगे। नेक्स्ट, अब दूसरा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पिक्चर। आपको पिक्चर देखना है और उसका आंसर देना है। कौन किसके हिसाब से, पिक्चर के हिसाब से जो साइड में दिया है उसके हिसाब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट नंबर का पिक्चर है वहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से दो भाग करके पिक्चर नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2। तो क्यों, आपको जब लिखो फिलिंग द ब्लैंक्स तो आपको पता चले। तो पहले देखो, एक लड़की है और उसकी मम्मी के साथ एक जो कैबेट है उसके पास खड़ी है, और उस कैबेट के अंदर पेंसिल के बॉक्सेस रखे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है, हाउ मेनी पेंसिल आर देयर इन वन पैकेट। पेंसिल का एक पैकेट है उसमें कितनी पेंसिल है, तो आप देख सकते हो। तो चलो आप गिनो, जो पेंसिल का पैकेट है उसमें गिनो कितनी पेंसिल दी हुई आपको। ओके, वेरी गुड। कितनी पेंसिल है, 10 पेंसिल। तो आप पहली जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें लिख सकते हो कितनी पेंसिल, 10 पेंसिल। नेक्स्ट, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ पेंसिल आर देयर। अब वहां पे देखो, पेंसिल से भरे हुए पूरे भरे हुए कितने पैकेट्स है, चलो गिनो आप लोग। वेरी गुड, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैकेट्स। तो जो दूसरे नंबर की फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा, 6। थ्री नंबर का जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, हाउ मेनी पेंसिल आर देयर आउटसाइड द पैकेट। पैकेट के बाहर निकाली हुई कितनी पेंसिल है, आप देख सकते हो सबसे टॉप पे रखी है दो ग्लास में दो पेंसिल, कितनी है टोटल, 2 and 2, 4 पेंसिल। तो थ्री नंबर की फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, 4। फिर नीचे, हाउ मेनी टोटल पेंसिल आर देयर। अब टोटल कितनी पेंसिल है, तो आप देख सकते हो कि 6 क्या है उसके पास, बॉक्सेस है, बॉक्स है और 4 पेंसिल लूज पड़ी है मतलब बाहर। तो 6 पैकेट का मीन 60 + 4 = 64 पेंसिल। कितनी पेंसिल है टोटल, 64 पेंसिल। अब ये वाला जो दूसरा है वो आपको अपने आप करना है। इसमें बोला है, हाउ मेनी सच पैकेट कैन बी मेड इफ देयर आर 47 पेंसिल। अब आपके पास 47 पेंसिल है, तो उसमें से कितने पेंसिल के पैकेट मतलब भर के बनेंगे। तो 47 में से 4 पैकेट बनेंगे, और एंड हाउ मेनी पेंसिल विल बी लेफ्ट लूज आउटसाइड द पैकेट। पैकेट के बाहर कितनी रहेगी, 47 में से 7 बाहर रहेगी, और 4 पेंसिल पैकेट में 10 की ओर से आ जाएगी ना, 40। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, दूसरे नंबर का पिक्चर नीचे देखो, एक लड़की है उसके पास बिंदीज के बहुत सारे पैकेट्स है। यहाँ पे देखो, हाउ मेनी बिंदीज आर देयर इन वन पैकेट। जो फर्स्ट नंबर जो पैकेट है उसमें एक पैकेट में कितनी बिंदीज दी हुई है आपको, चलो गिनो आप सब लोग मिलके। ओके, तो कितनी पैकेट्स दिए बिंदीज, 10 बिंदीज दिए। तो पहली फिलिंग द ब्लैंक्स है सेकंड नंबर पिक्चर की, उसमें आप लिख सकते हो 10 बिंदीज। नेक्स्ट, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ बिंदीज आर देयर। बिंदीज के टोटल पैकेट कितने हैं, अलग अलग पैकेट देखो, तो आप गिनो कितने पैकेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पैकेट। कितने पैकेट है, तो दूसरे नंबर की जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा, 7। थर्ड नंबर में, हाउ मेनी टोटल बिंदीज आर देयर। अब टोटल कितनी बिंदीज हुई, एक पैकेट में 10 बिंदीज, वैसे पैकेट कितने हमारे पास,
सेवन, तो कितनी होगी 17, कितनी होगी 17 बिंदीज 70, ओके। फोर नंबर का एग्जांपल है, सॉरी क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पैकेट कैन बी मेड इफ देयर आर 58 बिंदीज। आपके पास अगर 58 बिंदीज है तो ब्लैंक, एंड हाउ मेनी बिंदीज विल बी लेफ्ट लूज आउट देयर पैकेट। पैकेट में 10-10 की बिंदीज डाल दी तो कितनी बिंदीज आएगी 58 में से, इसमें हम दो डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 50 + 8, 58, तो 10-10 की तो कितने वो पैकेट आएंगे 5 पैकेट एंड 8 लूज, मतलब बाहर पड़ी रहेगी। इस तरह से आपको फिनिश करना है, ओके। तो ये वाला हमारा पिक्चर फिनिश हुआ। नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 43 पे देखो, वहां पे लिखा है सिक्स नंबर का क्वेश्चन, कंप्लीट द ग्रुप ऑफ 10 बाय ड्रॉइंग द मिसिंग बिंदीज इन द पिक्चर बिलो। आपको जो नीचे पिक्चर दिया है उसमें थोड़ी सी बिंदी दी है, और एक बिंदी के पैकेट में कितनी बिंदी आती है 10 बिंदीज, तो आपको बाकी के जो बिंदीज बाकी है वो आपको ड्रॉ करनी है। तो चलो बच्चों, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। चलो फर्स्ट नंबर का एग्जांपल देखो, उसमें देखो रेड कलर की बिंदीज कितनी दी है आपको, तो आपको फर्स्ट नंबर के एग्जांपल में रेड कलर की बिंदीज 6 है, और ब्लू कलर की बिंदीज कितनी की है उसने 4, तो 6 + 4 कितनी बिंदीज हुई टोटल 10 बिंदीज, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसकी तरफ बॉक्सेस, ओके इस तरह से है। चलो मैं उसकी तरह रेड और ब्लू भी ले लेता हूं। चलो तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो एग्जांपल है उसमें आपको पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से करके दिए, तो इसमें 10 बिंदीज फिनिश करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कितने चाहिए 4, 1, 2, 3, 4, तो ये 10 बिंदीज फिनिश हुई। नेक्स्ट उसके बाद में देखते हैं, तो यहाँ पे रेड कलर की बिंदीज कितनी दी है आपको 5 दी है, कितनी दी है 5। अब 10 फिनिश करने के लिए और कितनी चाहिए मुझे 5 है, तो दूसरी 5 आ जाएगी तो हो जाएगी, दूसरी 5 में यहाँ पे ड्रॉ कर दूं 1, 2, 3, 4, 5, तो हो गए 10, ओके। नेक्स्ट दूसरी जो उसके पास जो एग्जांपल है उसमें कितनी दी है 4, तब कितनी करनी होगी मुझे एक्स्ट्रा 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे देखो तो यहाँ पे 3 दिए मुझे, कितनी बिंदीज दिए 3, तो आप बोलोगे कितनी होगी बाकी की मुझे 7 में एक्स्ट्रा बिंदीज करूंगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे 10 बिंदीज का एक बंडल फिनिश हुआ। तो बाकी की जो एग्जांपल है वो आपको अपने आप फिनिश करने हैं, ओके। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, अब नीचे आते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, उसमें बाजू में नंबर दिए और एक साइड में हो लिख के दिए कि 1, 10, 5, 1, ओके। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हम उसको फिनिश कर देते हैं। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले लिखा है 1, 10 and 5 1, and 4
वर्ड्स। चलो यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ तो आपको अलग से दिखाई देगी। ओके चलो, और क्या है फॉर एंड टू, तो फॉर टेन एंड टू वर्ड्स। नेक्स्ट दूसरा बॉक्स देखते हैं, फाइव एंड वन, तो फाइव टेन वन वर्ड्स। फिर थ्री एंड सिक्स, क्या है सिक्स, तो थ्री टेन एंड सिक्स फोर एंड वन। फिर सिक्स एंड थ्री, फिर क्या है सिक्स एंड थ्री, ओके। तो इसी तरह से यहां पे नंबर दिए। अब मैं यहां पे जो नंबर है नीचे के दो बाकी रह गए, बाकी के मैं यहां पे नंबर लिख देता हूं। तो यहां पे मैं लिखता हूं 51, 6, ओके 51। फिर मैं लिखता हूं दूसरा 24, फिफ्टीन 36, 63 एंड 42। ओके मैंने बाकी के जो नहीं लिखे है वो ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, तो बाकी के जो आपको अपने आप करने। यहां पे देखो तो 110 एंड 5 वंस, तो 10 के नंबर पे 1 होना चाहिए और वंस के नंबर पे 5, तो ये रहे 1, 5, 15, कितने होंगे 15। इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे आप इसके साथ, फॉर टू फॉर 24, तो यहाँ पे 24 का आप है ये रहे, तो इसके साथ ज्वाइन। फॉर टेंस एंड टू वंस, तो 42, तो 42 का आप लिखे ये रहे इसके साथ। फाइव टेंस वन वंस, तो 51, तो ये रहे। थ्री टेन सिक्स, तो 36 इसके साथ। सिक्स टेन्स एंड थ्री वंस, तो क्या आएगा 63। ओके तो बाकी के जो दो है 78, सेवन टेन एंड एट वंस, तो 78 उसके साथ ज्वाइन करो, और एट टेन्स एंड सेवन वंस, तो 87 के साथ ज्वाइन करना है। तो बाकी के ये आपको फिनिश कर देना है। नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 44 पे देखो। यहाँ पे कुछ अलग तरह से आपको एग्जांपल दिए, इसमें क्या करना है कि आपको बंडल्स फिनिश करने हैं 10-10 के, यहाँ पे आधे दिए और आधे आपके घर से लाके रखने हैं। तो मेक द फर्स्ट नंबर का एग्जांपल आप देख सकते हो, तो उसमें देखो आप एग्जांपल में, तो टू मेक टू बंडल्स ऑफ 10, आपको बंडल्स टू बंडल्स बनाने हैं। तो फर्स्ट में आपको क्या दिया है 10 का एक बंडल दिया है, फिर 6 लूज स्टिक दिए, तो बाकी कितनी ऐड करोगे लूज स्टिक्स में, तो आपकी वो पूरी एक बंडल हो जाएगी। तो उसमें 4 ऐड करेंगे तो वो भी 10, तो 10-10 के दो बंडल हो जाएगी। तो उसी तरह से नीचे के जो एग्जाम्पल है उसमें मैं फर्स्ट दो एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको। ओके इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले लिखा है टू बंडल्स, फर्स्ट नंबर का एग्जांपल है उसमें लिखा है टू बंडल्स ऑफ 10, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से करके यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से बंडल दिए, और लूज कितनी स्टिक दिए आपको 4 स्टिक, लूज कितनी स्टिक है 4, तो 1, 2, 3, 4।
अब यहाँ पे आपको टू बंडल्स फिनिश करने के लिए टू, तो फोर स्टिक है तो कितनी स्टिक हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितनी ऐड करेंगे सिक्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 40 + 6 = 20, तो यहाँ पे हमने कितनी ऐड की 6, यहाँ पे आपको 20, तो मतलब इस तरह से बंडल बना सकते हो, 20 ऐड किया मैंने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से टू बंडल होंगे, लेकिन आपको ये ड्रॉ करना नहीं है, सीधे यहाँ पे क्या लिखना है 10 + 10 = 20, इस तरह से लिख देना है। नेक्स्ट दूसरा है, उसमें नीचे सेकंड नंबर का एग्जांपल, उसमें है 3 bundles of 10, अब 10 के 3 बंडल, यहाँ पे आपको ड्रॉ कुछ इस तरह से करके दिया है, ओके नेक्स्ट, और उसके बाद लूज कितनी दी है आपको, तो 7 स्टिक लूज दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लूज दिए, अब 7 में हम कितनी ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगी, तो 3 ऐड करेंगे, 1 2 3 3 ऐड की मैंने, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आप देख सकते हो कि 3 बंडल्स का 30 है, और एक्स्ट्रा लूज कितनी थी मेरे पास 7, तो 37 प्लस उसमें ऐड कितने करूंगा मैं, 3 ऐड करता हूं, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी कि नहीं, तो मैंने कितनी ऐड की 3, यहाँ पे 40 है, तो मैं यहाँ पे 10 + 10 + 10 + 10, इस तरह से बाकी क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तो बाकी के जो नीचे के दो एग्जांपल वो अपने आप फिनिश कर दिए, ओके बच्चों, अब नेक्स्ट देखते थे एक्टिविटी आती है, लेकिन ये एक्टिविटी करने के लिए हमें एक बोर्ड चाहिए जो हम मैंने यहाँ पे बनाया है, तो जब लोग आप यहाँ पे आओगे फिर उसके ऊपर हम रिंग डालेंगे, इस तरह से हमें वो एक्टिविटी फिनिश करनी है। नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 46 पे देखो, वहाँ पे लेट्स डू होमवर्क, आपको होमवर्क करना है, तो यहाँ पे मेक मैच द फोर, मतलब ग्रुप के साथ मैच करना है टेंस, ओके, तो यहाँ पे जो पहले स्टार दिए, तो स्टार देखो 2 बंडल है, मतलब 5 5 के, मतलब 10 10 के 2, और एक्स्ट्रा कितने हैं 4 है, तो कितने हैं 24, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 + 4, तो ये सेकंड नंबर का आ गया, और उसके बाद 24 कहाँ पे लिखा है, तो सबसे लास्ट, वैसे इस तरह से आपको ज्वाइन करना है, बाकी की आपको अपने आप फिनिश करना है। उसके बाद दूसरा है जो बाकी के एग्जांपल है वो आपको अपने आप फिनिश करें, जो एग्जांपल मैंने आगे सीखा है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी दिए, अगर नहीं पता चलता है तो फिर आपको आपके पेरेंट्स के यहाँ पे भेजना है, तो हम आपके पेरेंट्स को समझा देंगे, वो जो आपको घर पे आके अच्छे से फिनिश करवाएंगे, ओके। नेक्स्ट बाकी का आप नेक्स्ट यूनिट आएगा हमारा यूनिट नंबर 5, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके, थैंक यू।